तो ध्यान से देखिए इस मासूम चेहरे को, आपको भरोसा नहीं होगा, रॉटवाइलर बैन हो चुके हैं। और भी बहुत सारे डॉग लाइक पिटबुल, टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग और भी सारे डॉग है, टोटल 23 डॉग है जिसपे गवर्नमेंट ने बैन लगाया इंडिया में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, मैं दिव्यांशु और ये आप दोनों का रॉट। तो ये जो लॉ आया है मैं इसके पूरे अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूज आपको मिलेंगे जिसमें लेब्रा और गोल्डन रिट्राइवर और स्टिक डॉग ने भी बहुत ज्यादा अटैक किया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सारे स्पेसिफिक डॉग ही बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो देखो, मैं ये मानता हूं कि जो डॉग एग्रेसिव निकलते हैं उसमें ना ओनर की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉग कैसा निकलेगा ये सारा डिपेंड करता है ओनर पे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा डेविड कितना फेमिलियर है, बच्चों के साथ फेमिलियर है, 2 ईयर 3 ईयर बच्चों के साथ ये खेलता है, पप्पी के साथ खेलता है, कोई भी इसे ट्रीट ले दिला के, ट्रीट खिला के मैं बोलूंगा इसे किडनैप भी कर सकता है, ये चला भी जाएगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चेहरा देखो, ये लिटरली मेरे गोद में बैठा है और आराम से वीडियो बना रहा है। पर जैसे ऐसे पेट पेरेंट्स नॉट अ पेट लवर, पेट पेरेंट्स हमें इनकी फीलिंग होती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अब क्या, अब इन सारे डॉग को गवर्नमेंट घसीट के लेके जाएगी घर से? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी आपके डॉग को नहीं ले जा सकती। तो जो न्यूज आया है, रूल्स आया है, वो रूल्स क्या कहता है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बाई सेल नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, ठीक है, ब्रीड नहीं करा सकते। अब क्या होगा, आपको अपने डॉग को न्यूट्रल कराना पड़ेगा। तो जब इनकी आने वाली जो पूछते होंगी अब आपको नहीं दिखेंगी, इंडिया में जो डॉग हैं वो अब रहेंगे, आगे नहीं आने वाले, मतलब इनके बच्चे नहीं होंगे, तो एक तरीके से वो धीरे धीरे खत्म ही कर देंगे। तो ये जो रूल आया है मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डॉग केस मिलेंगे जिसमें डॉग को मार दिया गया, ठीक, बहुत सारे डॉग को ऐसे वहां से घसीटा गया, ऐसा कोई रूल नहीं आया। ऐसे बहुत सारे ब्रीड डॉग ही हैं जिन्हें लोग खरीदते हैं फिर बाद में मार के फेंक देते हैं, पॉइजन दे देते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव निकल जाता है, तो उसे यहां से हटा देते हैं, पहले तो खरीद के लाते हैं। तो इसमें ओनर्स के लिए बहुत बड़ी गलती होती है, तो मैं ये चाहता हूं कि जो रूल्स निकले एकदम इसको खत्म किया जाए, नया रूल्स निकले, थोड़ी सी गाइडलाइंस चेंज हो जो कि डायरेक्ट ओनर के लिए अप्लाई हो। मेरा डेविड देखो फर्स्ट टाइम है, बैठा हूं मैं आराम से, इतने देर तक उसने वीडियो बनाया, तो हम एक हैशटैग चलाने वाले हैं, स्टॉप डॉग बैन ब्रीड इन इंडिया, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे होते हैं, इनके भी इमोशन होते हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ये देखो अभी मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रहा है, इसको खेलना है, क्योंकि मेरे हाथ में ना ट्रीट की स्मेल आ रही है। क्यों डेविड, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, देखो सब लोग तुम्हें बैन करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आओ, ये देखो ये देखो, ये मेरी गोद में सोया है। और कौन मानेगा कि रॉटवाइलर एग्रेसिव होते हैं? ऐसा नहीं है कि मेरे पास रॉटवाइलर है तो मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप न्यूज देखोगे तो बहुत सारे स्टिक डॉग ही हैं जो कि बच्चों को खा तक गए हैं। अब क्या करूं, उनके लिए तो कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट ऐसे उठी और लगा दी रूल्स। बहुत सारे ऐसे केस होंगे जिसमें कुत्तों को बहुत ज्यादा, डॉग को मारा गया, उसके लिए आज तक कोई रूल्स नहीं आया। हमारे ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज है जो डॉग लवर है, जो डॉग फीडर है, वो जाते हैं अपनी सैलरी से, वो तब डोनेशन तक नहीं लेते हैं, वो डॉग को खाना खिलाते हैं, चाहे ब्रीड हो चाहे कुछ हो, उन्हें लोग मारते हैं, घसीट के मारते हैं, ऐसे मारते हैं, क्या कर रहे हो, उन्हें बहुत ही ज्यादा लोग मारते हैं, उनके लिए आज तक कोई रूल नहीं आया कि वो तो बस खाना ही खिला रहे हो, तो होते हैं बेचारे, उन्हें क्यों मारा जाता है। तो ये चीज मैं एकदम खिलाफ हूं, और आप इसके खिलाफ हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और इसे जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि इस चीज को तुरंत हटाया सके, और आगे जैसे भी गाइडलाइंस आएंगी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, प्लीज 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 जरूर लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि ये हमारे डॉग की लाइफ की बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।